आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो तो वे की बात स्वागत है आप सभी का सत्ता का संग्राम में नतीजों का दिन है और एक्सपर्ट्स भी लगातार हमारे साथ राय दे रहे हैं अपनी और एक्सपर्ट में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से चेतन सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन सिंह जी आपसे सवाल कि क्या आप मानेंगे कि बीजेपी की भी कहीं अनएक्सपेक्टेशन ऐसी थी जहां पर नहीं एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा हो पाएगा लेकिन वहां भी अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का नजर आ रहा है। जैसे अगर कांग्रेस के बड़े कुछ चेहरों की बात अगर कर ली जाए तो कांग्रेस के बड़े चेहरे थे जो बड़ी जोर आजमाइश इस बात पर दिखा रहे थे कि हाँ हम आश्वस्त भी हैं कि हम जीत लेंगे और इस सीट को निकाल लेंगे, लेकिन आपको भी इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन वहां अच्छे रुझान देखने को मिल रहा है क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। कुछ कुछ सीट ऐसी भी है जहां पर दो दो लाख का या एक एक लाख के मत का फर्क पड़ रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देशभर की बात करें तो देशभर में भारतीय जनता पार्टी को ये तो लगता था कि हम 300 के पार जाएंगे, लगभग ये सबकी मोटी मोटी सोच थी और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी उसके आसपास ही हैं हम, थोड़ा सा कम है, मुझे लगता है कि आखिरी तक हो जाएगा और नहीं भी आए तो 300 के लगभग हम रहेंगे। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के जिन बड़े नेताओं ने इस सोच के साथ चुनाव लड़ा था कि वे चुनाव जीत रहे हैं, तो ये तो लगभग हर चुनाव में होता है कि कई बड़े दिग्गज नेता चुनाव हारते हैं और कई छोटे नेता जिनको कोई नहीं जानता वो चुनाव जीतते हैं, यही लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को जिसने ईमानदारी से पढ़ लिया और उसके हिसाब से अपना कर्म कर लिया तो मुझे लगता है कि वे लोग चुनाव जीतते हैं और जिन नेताओं को अहम आ जाए कि हम तो बहुत बड़े नेता हो गए, जैसे उदाहरण के रूप में भोपाल से दिग्विजय सिंह जी, वे जिस दिन से चुनाव लड़ने आए थे उस दिन से उन्होंने ये मान करके रखा था कि मेरी वोटों की गिनती 5 लाख से चालू होगी। अब उनके पीछे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं का जो सोच था कि 4.5 लाख मुस्लिम और लगभग 75,000 से 1 लाख कांग्रेस को कट्टर लोग जो उनको देंगे, तो उनको लग रहा था कि 5 लाख से चालू होगी। भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा जब दिग्विजय सिंह जी आए तो हमको मालूम था कि आतंकवाद के सबसे बड़े पनाहगार अगर कोई है तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं, आतंकवादियों के सबसे बड़े कोई समर्थक है तो दिग्विजय सिंह जी हैं, और फिर भगवा को आतंकवाद से जोड़ करके जिन लोगों ने भगवा को बदनाम करने की कोशिश की उनको माकूल जवाब देने के लिए अगर हमने नाम निकाला। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने जब जब वो मीडिया से मुखातिब हुई हैं उनके साथ विवाद शब्द हमेशा जुड़ता रहा है। पिछली बार की अगर बात कर ली जाए तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद माफी मांगी थी कि जिस तरीके से स्टेटमेंट उन्होंने दिया था गोडसे को लेकर वो शर्मसार कर देने वाला है। देखिए निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा, फिर से कहता हूँ कि बहन प्रज्ञा जी सांस्कृतिक रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हैं, वे पॉलिटिकल नहीं हैं। निश्चित रूप से कई स्थानों पर दीदी से गलती हुई है, लेकिन गलतियों के लिए क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता ना। जिन महात्मा गांधी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे साथ बीजेपी नेता नवीन मार्कंडे जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। फिलहाल आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि जिन महात्मा गांधी जी को लेकर के जो शब्दों का प्रयोग हमारे बहन ने किया था, उन महात्मा गांधी जी ने कहा था कि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इसलिए अगर किसी ने क्षमा मांग ली तो उस एपिसोड के वहीं पर हमको छोड़ देना चाहिए। तो हमें ये कहना चाह रहा था कि जिस विचारधारा के प्रवर्तक दिग्विजय सिंह जी माने जाते हैं, हमने उसी विचारधारा को जिसको उन्होंने अपमानित करने का काम किया उनके सामने हमने वही फेस ला करके खड़ा किया और रिजल्ट आपके सामने है। मैं पहले से भी कहता था ये राजा भोज की नगरी है, ये सांस्कृतिक धरोहर की नगरी है, यहां से पापियों का कभी भी उदय हो ही नहीं सकता, तो आज हमको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। दिग्विजय सिंह जी देखिए निसंदेह अच्छे नेता थे, 10 साल वे चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों की बौरकता दिखाई और जो विचारों में पागलपन आया है, मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उनके राहुल गांधी जी के विचारों में कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सारे हिंदुस्तान में चोर कह करके सारे विश्व में इस पद की गरिमा को खंडित करने का काम किया है, आज देश से लेकर के प्रदेश की जनता ने आपको तगड़ा जवाब दिया है। शायद राहुल गांधी जी अपने इस जीवन में इस शब्द के वाक्यांश को कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे अगर वो मानव होंगे तो, और मानव होंगे तो अच्छा लगेगा कि आप देश की लीडरशिप करना चाहते हो तो अपनी आदतों को ठीक करो, अपनी वाणी में संयम लाओ और देश के लोग चाहते हैं कि आम आदमी की बात करो, जनता की बात करो, देश की बात करो, न कि वोट की खातिर आतंकवादियों की बात करो, तुष्टिकरण की बात करो। और आप ये भी कहने से कभी नहीं चूकते हो कि अगर हमारी सरकार बनती है
तो हम देशद्रोही की धारा ही खत्म कर देंगे। जब तुम देश के टुकड़े करने वाले लोगों का समर्थन करोगे तो देश की जनता तुमको समर्थन देंगी। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो शायद तुमने इस हिंदुस्तान के मर्म को, इस हिंदुस्तान के जो आम आदमी की खुद की सोच है उसको समझने में कहीं ना कहीं भूल की है, और आपकी भूल का परिणाम आज स्क्रीन पर दिख रहा है। चेतन जी वापिस आएंगे आपके पास। नवीन जी, जिस तरीके से रुझान अब तक आए हैं उस पर पहले आपकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। जी, ये रुझान जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी और उसके जो नेतृत्व करता है माननीय मोदी जी, उनके जो ये 5 वर्ष के काम है और उनके जो नाम है, ये दोनों पर जो है ये मैंडेट हमको जनता ने दिया है। और मैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सभी जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनने इस तरह से एक बेहतर काम करने वाले नेतृत्व और लीडर को उन्हें चयन किए हैं और मैंडेट हमको दिए हैं। एक और गलत बात आपसे पूछना चाहेंगे कि बीजेपी के जिस एरियो में बीजेपी की तरफ से प्रचार किया गया था, बड़े चेहरे जहां पर पहुंचे थे, वहां बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि असर इस बात का हुआ है, हमारे प्रचार का भी असर हुआ है, क्योंकि पहले से ये उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम 6 से 7 सीटें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आ ही जाएंगी। जी देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेनिंग था, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य हमारी रचना थी, और जो हमारा नेतृत्व है, जो मोदी जी के एक विश्वसनीय नेतृत्व पर जो हमने चुनाव लड़ा है, और उसको यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता ने बिल्कुल स्वीकार किए हैं और उसके आधार पर यहाँ मैंडेट दिए हैं। और कहीं ना कहीं जो इस छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की जो सरकार इस 4-6 महीने पहले जो बनी है, और जिन मुद्दों को लेकर जनता का वो ने विश्वास जीतने की कोशिश की है और जीते भी, लेकिन उस विश्वास को वो बरकरार नहीं रख पाए, उनके विश्वास का चकनाचूर कर दिए, और कहीं न कहीं जनता के विश्वासघात करने के कारण ही जो है छत्तीसगढ़ में आज जो इतनी दुर्गति हुई है वो कांग्रेस की जो है ये उसी को दर्शाता है, क्योंकि इनने इनके पास ना नेतृत्व है और ना ही इनके पास कोई नेता है, और ना ही ये किसी जनता की भलाई या हित के लिए कोई ऐसी योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू किया, और ना ही ये किसी यहाँ कानून व्यवस्था हो चाहे योजनाओं को लागू करने के पास। वापस आएंगे हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से शरद बाघेला, मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़े हुए हैं लाइव। शरद, आप इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, जश्न की कुछ तस्वीरें भी हमने वहाँ पर दिखाई थी, ताज़ा क्या और अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय में खड़ा हूँ, मेरे पीछे यहाँ का नजारा, बड़ी संख्या में बीजेपी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और डीजे की धुन पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। इसके पहले यहाँ पर आतिशबाजी भी की गई थी और यहाँ पर भगवा रंग में जो रंग गुलाल भी यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के नेता उमेश तिवारी हमारे साथ मौजूद है। उमेश जी, एक बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की है, क्या कुछ रहा इस बारे में लेकर यहाँ पर? देखिए, हर्षोल्लास का माहौल है, हम लोग का जो लक्ष्य था, हम लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे पदाधिकारियों में अति उत्साह है, उमंग है, और इसीलिए जो है नाच रहे, ढोल बज रहे, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर चुनाव मैदान में थी और राष्ट्र हित का विषय था, इसलिए जो है भारत की जनता जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। हम लोग को अति उत्साह है और हम लोग सुबह से ही चैनलों पे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 4वीं विजय की ओर है। यानी कि आपने देखा कि लोगों में काफी उत्साह है और लोग काफी जश्न मना रहे हैं यहाँ पर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर अपने साथियों को ले जाना चाहूंगा, कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वहाँ फ्रेम मूव करें, और यहाँ देख सकते हैं कि आप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बैनर पोस्टर मौजूद है और उसके साथ जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जो कटआउट है वो लेकर भी यहाँ पर डांस किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे बुजुर्ग नहीं बल्कि महिलाएं भी इस पूरे जश्न में सराबोर हैं। और आप यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि महिलाएं यहाँ पर भगवा रंग पे नृत्य कर रही है, मोदी पर जो टाइटल सॉन्ग बनाया गया था उस पर नृत्य कर रही है। आइए हम उनसे खुशी का इजहार करना चाहेंगे, आखिरकार ये लोग जो नृत्य है, एक बड़ी सफलता हासिल की है मोदी जी ने, क्या कहेंगे इस बारे में?
मोदी जी को तो जीतना ही था। राहुल राहुल गांधी जो अपना वर्चस्व लगा रहे थे, जितनी ताकत लगा रहे थे, मोदी जी को चोर बोल रहे थे, आज उसका सिला उनको मिल गया है और मोदी जी बहुत बड़ी जीत से जीते हैं और बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे, जिसमें प्रज्ञा दीदी भी 10-10 2 लाख वोटों से जीतेंगे। बहुत बड़ी मतों से जीतने वाली और उनका काफी बड़ी जो लीडिंग सीट थी वो काफी बड़ी है। और आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा, बीजेपी की धुन पर बराबर सारे कार्यकर्ता से रख रहे हैं। जैसे कि जश्न की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन साथ में आपसे जानना चाहेंगे मतगणना में कितने राउंड अब तक हो चुके हैं और जो अंतर बताया जा रहा है मतों का वो कितना बताया जा रहा है। शरद देखिए, शायद तो अभी 8 राउंड से ज्यादा राउंड हो चुके हैं मतगणना में। और उसके अलावा जो बात की जाए मार्जिन की, तो मार्जिन के बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मतों के साथ भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर आगे चल रही है और इतनी संख्या में यहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और कहीं यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख तक पहुँच रहा है और तकरीबन 22 राउंड ओवर होने उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार कितने लोग कितने दो लाख मतों का अंतर यहाँ पर आ रहा है। चेतन से हम जानेंगे कि 2 लाख के अंतर की उन्होंने कितनी उम्मीद की थी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ लखनऊ बिरहज अखिल सिद्दीकी जी लाइव जुड़ गए हैं। अखिल जी, क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह अनुमान थी सीटें बीजेपी की कम होने के, लेकिन वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक 60 सीटों का रुझान आ चुका है। अगर 60 सीटों पे बीजेपी एकदम आगे है, गठबंधन ये था कि 56 तक जाएगी 40, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब जितने जैसे जैसे समय नीचे होता जा रहा है, धूप नीचे होती जा रही है, वैसे वैसे गठबंधन नीचे होती जा रही है। निश्चित तौर से अब 19 पर आकर अटक गई है। रुझानों की अगर हम बात करें तो बीजेपी आगे है, गठबंधन 19 पर है, लेकिन गठबंधन के लिए खुशी की बात यह है कि 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, बहुजन समाज पार्टी के पास 1 भी सीटें 2014 में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो 19 सीटें आ भी रही हैं अगर, तो ये खुशी की लहर उनके लिए एक समझौता जरूर है कि हाँ 5 सीटें से हम बढ़कर आगे हैं। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं सीटें नीचे जरूर है, भले ही बहुमत में आ रही सरकार आ रही है हिंदुस्तान में, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें कम, जिस तरह 60 का रुझान आ रहा है, 72 था 74 के दावे कर रही थी, तो कहीं ना कहीं नीचे आई है। लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे गठबंधन की हो, नतीजा सामने है। अगर हम इसके अलावा बात करें कांग्रेस की, बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए रही है। कांग्रेस को ये पता था कि हम सीटें लेके आएंगे, प्रियंका को लाना था, प्रियंका को कौन थी कांग्रेस लेके आई, प्रियंका के आने से चेहरे से उनको लगा था कि फायदा होगा, लेकिन वो कहने के नहीं हो पाया पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, वोट फीसदी अगर हम वोट की मार्जिन की बात करें तो कांग्रेस का वोट मार्जिन जो है वो बढ़ा हुआ है, ये जरूर कहा जा सकता है। जो बीजेपी का वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी सेंध लगाने में कामयाब हुई है, जिसका फायदा 22 में जरूर प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस को जरूर मिलेगा। गठबंधन की सीटें कम हुई हैं, दोनों को ये लगता था कि यादव वोट मुस्लिम के साथ साथ दलित वोट, देखिए सबसे अहम बात है ये तीन वोट बैंक जो लगता था गठबंधन को एक साथ आकर वोट करेगा और हमारी जीत होगी, सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम को, उस मुस्लिम के पास ऑप्शन नहीं था, वो एक तरफा गया गठबंधन में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 80% के बाद 20% वोट मुस्लिम वोट शिवपाल सिंह यादव की पार्टी जहां का मुस्लिम चेहरा था वो काटने में कामयाब रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें दलित वोट की, दावा जिस तरह मायावती कर रही थी कि वो गठबंधन की तरफ रहेगा, वो वहां नहीं रुका, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर छिसकता नजर आया। इसका नतीजा सामने है कि बीजेपी की सीटें फिर से बढ़ गई हैं। गठबंधन जो दावा कर रही थी अपना दलित वोट को लेकर, जिस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती कर रही थी, वो कहीं ना कहीं नीचे आया। लेकिन अभी 19 का रुझान पर है कि 19 गठबंधन निकाल सकती है, 19 सीटों पर आगे है, 7 सीटों पे बीजेपी है। लेकिन अगर देखा जाए पूरे ओवरऑल अगर हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ी टक्कर देती गठबंधन नजर आई है। जी साथ ही आपसे जानना चाहेंगे जो हाई प्रोफाइल सीटों की अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में, तो हाई प्रोफाइल सीट में कांग्रेस किन किन पर पीछे चल रही है और कितना अंतर इसमें बताया जा रहा है, और सबसे खास बात कितने अब तक राउंड उसमें बचे होंगे? अखिल जी देखिए, राउंड की अगर हम बात करें बहुत ज्यादा राउंड नहीं बचे हुए हैं, लेकिन हाँ हाई प्रोफाइल सीट की बात अगर करें तो राहुल गांधी पहला चेहरा उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट पर है, जिनको स्मृति ईरानी कहने की मात देती नजर आ रही है सबसे ज्यादा। जी बात पूरी कीजिए अखिल जी। अखिल जी आपको आवाज मिल रही है?
तो अखिल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ चेतन सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन सिंह जी, जैसा कि आपसे सवाल था कि शरद हम बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद थे, वो भी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। शरद, आप अपने सवाल पूछिए। शरद से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चेतन सिंह जी, 2 लाख का अंतर बताया जा रहा है, क्या आपने उम्मीद की थी इतने अंतर की भोपाल की? जी बिल्कुल। देखिए, पता नहीं कांग्रेस और मीडिया को क्या लगता था शुरू में, जिस दिन दिग्विजय सिंह जी आए उस दिन हमने ये सोच लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी इस सीट से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अतीत में जो गुनाह आपने किए हैं वो वर्तमान में आपका पीछा नहीं छोड़ सकते, जैसी करनी वैसी बननी। और दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार के, जिस कुटिलता के साथ जो हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया था, निश्चित रूप से वे देश के चाहे किसी कोने में चले जाएं, यह पाप उनका कहीं ना कहीं पीछा करता मिलेगा। जैसे राहुल गांधी जी को समय रहते समझ आ गया, वे वायनाड चले गए जहां हिंदुओं के पास में उतना मत नहीं था कि वे उनको चुनाव हरा सके। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी को भी कुछ इस प्रकार का ही करना था, इस प्रकार की सीट का चयन करना था, लेकिन दिग्विजय सिंह जी को यह लगा कि मैं भोपाल आ गया हूं। हालांकि दिग्विजय सिंह जी बहुत भारी मन से भोपाल चुनाव लड़े, क्योंकि उनकी हार्दिक इच्छा राजगढ़ जिले से चुनाव लड़ने की थी। ये कांग्रेस के अपने अंदर खाने की राजनीति की उठापटक है कि दिग्विजय सिंह जी को भोपाल से चुनाव लड़ना पड़ा, और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह भोपाल में आए, जो उन्होंने सारे माया जाल जो वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना 10 साल चीफ मिनिस्टर हैं, निश्चित रूप से उनके सभी राजनीतिक दलों में अच्छे संबंध हैं, संपर्क हैं, तो कई लोगों से उन्होंने प्रेम से भी बात की, कई लोगों को उन्होंने डर और भय भी दिखाया, कई लोगों को विकास भी दिखाया, कई लोगों को व्यक्तिगत वादे भी किए हैं। तो इन सारे वादों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भारी पड़ी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को हराने के लिए मैं समझता हूँ माननीय मोदी जी की भी जरूरत नहीं पड़ती, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही हराने के लिए सर्वोपरि थी। लेकिन निसंदेह आदरणीय मोदी जी का जैसा पूरे देश में जलवा है, तो निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कैसे अछूती रह सकती। पूरी ताकत के साथ युवाओं ने, पूरी ताकत के साथ हमारी गरीब माताओं बहनों ने वोट दिए हैं, क्योंकि भरे चुनाव में शायद आपको जानकारी हो नहीं, मेरे को नहीं पता, 72,000 रुपए के लोगों के फॉर्म भरवाए हैं कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी 72,000 रुपए आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। तो हर तरह का प्रलोभन, और मैं, मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इससे महंगा चुनाव मध्य प्रदेश की धरती पर कभी नहीं देखा जो इस चुनाव को मैंने देखा है। अकल्पनीय खर्च है इस चुनाव का, चुनाव आयोग की, हालांकि चुनाव आयोग की निगाहों में और संज्ञान में ये सारी बातें नहीं है, लेकिन हम लोग चूंकि फील्ड में काम करते हैं इसलिए सारी जानकारियां हैं कि कितना भारी भरकम बजट इस चुनाव पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खर्च किया गया, लेकिन उसके बाद भी परिणाम तो अंतोगत वही होता है जो जनता चाहती। तो जनता ने जो जनमानस बनाया था, और दिग्विजय सिंह का एक भ्रम आज और दूर हो जाना चाहिए कि वो जो सोचते हैं कि 100% पढ़ने वाला मुस्लिम मत उनको मिलेगा, ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। आज का मुस्लिम मतदाता भी विकास की बात जानता है, विकास की राजनीति करना भी जानता है। तो दिग्विजय सिंह जी, आपसे तो हमारा निवेदन है कि आप किसी को बोर्ड बैंक मत बनाइए, आप किसी को अपने विचारों का गुलाम मत बनाइए। ये देश 70-72 साल पहले आजाद हुआ, आज देश का हर नागरिक आजाद है। अगर आप इन चुनावों की समीक्षा करेंगे, इन परिणामों की समीक्षा करेंगे, तब भी मैं कह सकता हूं कि 10 से लेकर 15-20% मत कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और भारतीय जनता पार्टी 2 लाख के ऊपर से चुनाव जीतेगी। तो हमेशा प्रज्ञा ठाकुर ये कहती नजर आई है कि उनकी लड़ाई धर्म की है, धर्म की जीत वो करना चाहती है। देखिए, धर्म विकास का जिक्र नहीं किया। देखिए, हम बता रहे हैं धर्म की जय हो, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, यही कहा है ना। तो हम तो कहते हैं, आज भी कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय में देखिए, आप हिंदुस्तान के अध्यात्म को आप अगर समझेंगे तो इसमें कहीं किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, किसी भाषा का नहीं, किसी क्षेत्र का नहीं, उस धर्म के अंत, उस भारत की भूमि पर रहने वाले सब सभी जनमानस के कल्याण की कल्पना की गई है। हमने किसी को जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र और राष्ट्र में नहीं बांटा है। ये तो इस हिंदुस्तान को टुकड़े करने वाली जो गैंग है उनसे जाकर के पूछिए, उनका जो लोग समर्थन करते हैं उनसे पूछिए। अरे, हम तो आज भी कहते हैं, आइए भगत सिंह के विचारों के साथ, आइए एपीजे अब्दुल कलाम साहब के उसका, आइए हमीद अंसारी के विचारों के साथ, कौन भारतीय है जो आपका अपमान करने का साहस करता है।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गर्व है मुझे भारतीय जनता पार्टी पर कि एपीजे कलाम साहब को हमारी पार्टी ने इस देश का राष्ट्रपति बनाया, क्योंकि इस देश को जो नए मिसाइल मैन का जो देश को नाम मिला था वो उन्हीं के कर कमलों के द्वारा था। देश में काम करने वाले, देश की विचारधारा के साथ जीने और मरने वाले के लिए आम हिंदू, आम सिख, आम ईसाई सब लोग समर्पित हैं। ये उनके दो नजरों के चश्मों को फिर से उनको टेस्ट कराना चाहिए, जो एक में वोट बैंक की राजनीति करते हैं और दूसरे में सोचते ये हमारा नहीं है उनका है। तो आज देखिए बहुत साफ बात है, साफ हिंदुत्व पे जो दिग्विजय सिंह ने भोपाल में आकर के क्या किया, हम सबके सामने, उन्होंने कहीं भी मुस्लिम बंधुओं को साथ में नहीं रखा, मुस्लिम नेताओं को साथ में नहीं रखा। इस बात का मैसेज नहीं जाए कि मैं मुस्लिमों का रहनुमा हूं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश की राजधानी के लोगों को पता नहीं था क्या, कहीं ना कहीं मुस्लिम बंधुओं को भी ये मैसेज गया कि आप ये कर क्या रहे हो, आप किस तरह का चुनाव लड़ रहे हो, आपको साथ हमारा चाहिए लेकिन आप हमको साथ में रखना नहीं चाहते। और जिस प्रकार से कंप्यूटर और पायलट बाबा, ये सारे बाबाओं ने आकर के जो भोपाल शहर में धर्म की फिजा को खराब करने का काम किया, इसका हिंदुओं में अच्छा मैसेज नहीं गया। और मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को जीवन में इस बात का पश्चाताप रहेगा कि आखिर उन्होंने अपने विचारों को इस तरह की परिणति, क्योंकि कि आज का देश का आम जनमानस उनके विचारों के कारण उनसे घृणा करता है। बिल्कुल, मार्कंडे जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन जी, जितना एक्सपेक्टेशन कांग्रेस का नजर आ रहा था और तमाम मीडिया जो दिखा रही थी, एग्जिट पोल भी दिखा रही थी, उसके हिसाब से भी कांग्रेस बहुत ज्यादा अब तक रुझानों में पीछे चल रही है। हालांकि वक्त अभी और बचा हुआ है, लेकिन 70% इन आंकड़ों को सही मान भी लिया जा सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। क्या लगता है, जो प्रधानमंत्री मोदी की लहर काम आ रही थी या प्रत्याशी वाकई में बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर उतारे थे, कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव पड़ा? देखिए, जिस तरह से पूरे रिजल्ट आने से पहले, आज के दिन से पहले जो रुझान जो तत्कालीन सभी मीडिया में, चैनलों में जो आ रहे थे, वो उसके अनुरूप ही ये जो आज का जो परिणाम है वो पूरा दिख रहा है। और मुझे लगता है कि जो चैनल से उस समय एनालिसिस किए थे बहुत सही एनालिसिस किए थे। और मोदी जी ने जो बातें कही कि जो 300 से पार जो है करें, और जिस तरह से हमारे पिछले समय भी मैंडेट रहा है 350 के आसपास हमारे एनडीए का, तो वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में अभी देखने को मिला है। और इस चुनाव में सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो हम लोगों के लिए और पूरा देश के लिए जो विश्वसनीय चेहरा जो है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और उनका काम जो है, ये दोनों चीजों ने जो है पूरा देश भर में इफेक्ट किया है। हमारे पास एक बेहतर अच्छे नेतृत्व और उस नेतृत्व का जो इस 5 साल का जो काम है वो जनता को भाया है, और जनता ने उसी नेतृत्व पर विश्वास करके और पुनः जो है इस 5 साल दिए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे इस समय जो प्रत्याशी चयन भी हुए हैं, वो प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं अपने स्थान पर सामाजिक कार्यों में, लोगों की सेवा में, पार्टी के जो है निचले स्तर की जो हमारी इकाइयां हैं वहां तक संपर्क करके हमारी जो सभी इकाइयों ने बेहतर और अच्छा काम किया है, ये उसी का नतीजा है कि आज इस तरह से जो कैलकुलेशन जो लगा रहे थे उसके अनुरूप हम लोग जो है इस रिजल्ट को पा रहे हैं और विश्वास, जनता के विश्वास में खड़े उतर रहे हैं। जी चलिए, चेतन सिंह जी आपके पास वापस आएंगे, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अखिल जी भी। अखिल जी, क्या कुछ और नए अपडेट्स मिल पा रहे हैं, कितने रुझान और बचे हुए हैं और कितना अंतर हाई प्रोफाइल सीटों पर बताया जा रहा है, अपनी बात पूरा कीजिएगा। भूषण जी देखिए, निश्चित तौर पे अगर हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें, अब रुझान काफी हद तक आ चुके हैं, कुछ ही देर में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। निश्चित तौर पे जिस तरह वजह अगर देखा जाए, पूरी तरीके से बीजेपी 60 पर अपनी वजन बनाई हुई है, बढ़त के बाद गठबंधन की बात करें तो 19 के तकरीबन बनी हुई है। निश्चित तौर पे कांग्रेस काफी पीछे है, सबसे पीछे कांग्रेस ही नजर आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरह हाई प्रोफाइल सीट की, तो राहुल गांधी सबसे पीछे है,
आईब्रो साइंसिस में कांग्रेस की अगर हम बात करें अंजू टंडन की, लगता था कि इस बार साक्षी महाराज को मात दे पाएंगी लेकिन कहीं ना कहीं नहीं दे पाई, तो साक्षी महाराज की भी काफी लीड हुई है। निश्चित तौर पर उसके अलावा हम बात करें गोरखपुर में, तो रवि किशन जैसा अभिनेता जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में उठ जाती हुई नजर आ रही है। वो चुनाव में ये गठबंधन की तरफ चला गया था। उसके अलावा पूर्वांचल में बात करें तो कई सीटें अब बीजेपी लेके आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि राजभर ओम प्रकाश राजभर के विरोध करने के बाद भी कई सीटें ऐसी रही जो बीजेपी ने जीती है, और उसके बाद चुनाव खत्म होते बीजेपी को बीजेपी ने कांग्रेस राजभर को बाहर का रास्ता दिखाया है। निश्चित तौर पर यह आने वाला वक्त बताएगा कि 22 में राजभर कहां स्टैंड करेंगे, कितना फायदा कितना नुकसान बीजेपी के लिए करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बात करें अगर हम जिस तरह बीजेपी 7 के करीबन आगे जा रही है लेकिन गठबंधन के पास 5 सीटें थी वो बढ़त बनाई हुई है, लेकिन उसे उम्मीद ये थी गठबंधन को कि इस बार तकरीबन 40 से 50 सीटें जाएगी, तो वो अभी नीचे है 19-20 के नीचे आ गई है रुझान में। कुछ समय बचा उसके बाद क्लियर हो जाएगा। आजम खान जैसे बीजेपी ने उनको जयप्रदन उनको टक्कर दिया है, वो अगर देखा जाए मुन्नी मोहन को जो सीट थी कानपुर में उनको जो हटाया गया बीजेपी की वजह से, तो वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। निश्चित तौर पर उसके अलावा हम बात करें जिस तरह रुझान आ रहा है बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो उत्साहित है गुस्सा। उसके बाद हम आप देखिए पीछे मंच सज गया हुआ है विकास, देखिए जिस तरह यहाँ भी खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी दफ्तर में पूरी तैयारी कर ली गई है, वहां पर मंच सजाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता बुला लिए गए हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो यहाँ पहुंच गए, कुछ लोग पहुंचने वाले हैं, कुछ खुद मुख्यमंत्री के साथ आएंगे, उसी मंच से अभी संबोधित करेंगे मीडिया को भी और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देंगे कि जिस तरह जीत हो रही है वो उसका श्रेय किसको जाता है वो खुद यहाँ से ऐलान करेंगे। लेकिन मिश्रा जी सबसे अहम बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा काफी फायदेमंद साबित हुआ है, इसे दरकरार नहीं कर सकते हैं। अभी मेरी कार्यकर्ताओं से जब बात हुई थी तो ये जरूर सवाल हुआ था कि मोदी का क्या चेहरा जादू चला है उत्तर प्रदेश में कि योगी का, तो मोदी का चेहरे पे चुनाव सभी ने लड़ा है, प्रत्याशी के चुनाव चेहरे पे चुनाव नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की हर सीटों पर जनसभा की हो तो उसका फायदा हुआ है, अन्य राज्यों में भी जाकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेहनत की है पार्टी के लिए, मोदी के लिए मेहनत की है, जिसका नतीजा सबके सामने है, जो 2014 में क्या रुझान था क्या नतीजे आए हुए थे, और योगी के मेहनत करने के बाद जनसभाओं को संबोधित करने के बाद हर राज्यों में जाकर दौरा करने के बाद पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह का तेवर पे ममता बनर्जी ने अपनाया था वो मोदी ने उनको चैलेंज किया था, मोदी ने सामने से टक्कर ली थी और उन्होंने कहा था नहीं परमिशन मिलेगा तो मैं बाई रोड जाऊंगा, और जाकर वहां जनसभा को संबोधित किया, वहां के लोगों को फोन से संबोधित किया, कई ऐसे मंच है जहां पर जनसभा को अनुमति नहीं मिली थी जनसभा करने को लेकर, योगी आदित्यनाथ ने फोन पर जनसभा को संबोधित किया था, उनके कार्यकर्ता इतने एक्टिव थे। पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर मोदी के लिए और योगी के लिए काम किया था, योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर इस नाम को लेकर हुए हैं तो मोदी और योगी मैजिक दोनों चला हुआ। आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी हर तरफ आगे नजर आ रही है, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर सुपड़ा साथी होता नजर आ रहा है कांग्रेस का, क्योंकि अभी तक रुझानों में बढ़त बनाती हुई कांग्रेस नजर नहीं आ रही है कुछ राज्यों में। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अखिल जी, और चलिए रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो,